फेक आईडी बनाकर अपनी मुंह बोली बहन को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पीड़िता की मां ने धर्म भाई के खिलाफ अलवर गेट थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के का घर आना जाना था। वह दोनों बेटियों से धर्म भाई बनकर राखी बंधवाता था, लेकिन उसकी छोटी बेटी पर गंदी नज़र थी और उसने गंदे मैसेज भी व्हाट्सएप पर करना शुरू कर दिया था। जब बेटे को इसके बारे में पता चला तो उसने टोका भी। इससे नाराज आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि शिकायत करने पर अलवर गेट थाने में राजीनामा भी हुआ। आरोपी ने ऐसा नहीं करने का दिखावा किया, लेकिन 24 व 25 दिसंबर को फेक आईडी बनाकर मैसेज कर रहा है। साथ ही स्कूल जाते समय नाबालिग बेटी का रास्ता रोककर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने यौन शोषण व आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाडा को सौंपी गई है। कल दिनांक 26/12 को इलाका थाना में रहने वाली परिवादिया ने उपस्थित थाना होकर लिखित रिपोर्ट दी कि मेरी एक नाबालिग पुत्री है जिसका हमारे ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जो पीछा करता है एवं उसकी फेक आईडी बना करके उसको यूज ले रहा है, जिस पर धारा 354D व 11/12 पॉक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट के अंदर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण का अनुसंधान ऐसे तो आप स्वयं कर रहे हैं। हेड कॉन्स्टेबल 1300 सुरेंद्र सिंह।